अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ गोंद की रेसिपी। के लिए ये है प्रेगनेंसी का नाश्ता। ये गोंद है, इसको मैं हल्का सा इसमें क्रश करके ना फिर इसका पाउडर बना लूँगी, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने पाउडर बना लिया उसका। इसके अलावा ये बस एक देसी अंडा है, इसमें मैं अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो ये शुगर ऐड करूँगी। ये मैं 1 फ्लोर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से अपने बीट कर लेना है, बिल्कुल चीनी को जो है वो अपनी यकजान कर लेंगे। अच्छा, ये मेरे पास देखें वही असली घी है, थोड़ा सा ले रही हूँ मैं। अच्छा जी, ये मिंटो का काम है, ये डालते ही आपने फ़ौरन 1 चम्मच इस पाउडर का डालना है। क्योंकि ये फूलना शुरू हो जाती है ना, इसको फौरन से मिक्स करेंगे हम। यहाँ तेज करके और ये हमने किचन में ही खड़े खड़े गरम गरम खा लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। बस ये पिसक पक गया है, देखें ये पक गई। अब इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। चीनी थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है, ये देखें मैं खड़े होकर खा रही हूँ। ये आपने गरम गरम खा लेना, ठंडा नहीं होने देना, वरना फिर ये मुँह में चिपकेगा गोंद की तरह, ठीक है। जल्दी जल्दी खा लें इसको। ये रही है प्रेगनेंसी के बाद का नाश्ता है, आपने इसको डेली खाना है। 10-15 दिन खा लिया, इंशाल्लाह आपके कमर का दर्द जो है वो फौरन से चला जाएगा। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसे गोंद के, आप निकाल सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। पैरों का, जोड़ों का, कमर का, सबका दर्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये जल्दी जल्दी मैं खा रही हूँ, वरना फिर ठंडा होकर चिपक जाएगा, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी न्यू रेसिपी, न्यू रूट का, न्यू रेमेडी के साथ। मुझे दुआ में और मेरी फैमिली को याद रखिएगा, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको, मेरे पेरेंट्स को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।